यीशु मसीह का पहला चमत्कार, जब काना गांव में दाखरस घट गए, उस समय प्रभु ने अपना पहला चमत्कार दिखाकर अपनी महिमा को प्रकट किया। आज होने पाए ये शादी में भी प्रभु को हम इन्विटेशन दे कि ये शादी को प्रभु आशीषित करे। हमारा यहाँ ना इस परिवार के लिए अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़कर यदि प्रभु की उपस्थिति यहाँ पे ना हो तो हमारा यहाँ इकट्ठा होना व्यर्थ है। इसलिए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु जैसे आपने उस काना गांव की शादी को आपने आशीषित किया, वैसे हमारे प्रिय परिवार में जो खुशी का ये मौका, ये प्रसंग प्रभु आपने दिया है, उसमें हम आपकी महिमा करना चाहते हैं। तो इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को तू ना भूलना, लेकिन जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को तू धन्य कह। और वचन में यह भी लिखा है, हर बात के लिए एक समय है, जन्म का समय है, बचपन का समय है, जवानी का समय है। और आज हमारे बहन और भाई के जीवन में हम देखें तो प्रभु ने एक नियुक्त किया वो समय, शादी का वो समय आ पहुंचा है। अगली रात में हम प्रभु को धन्यवाद देने पाए और प्रभु को कहें कि प्रभु तू विश्वास योग्य है, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। इसलिए गीत गाएंगे जो गीत कहता है, विश्वास योग्य यीशु, भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते हैं। तो प्रभु को इस गीत गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। हम यदि आप ताली बजाना चाहता है, आप ताली बजाकर इस जीवित खुदा को हम धन्यवाद दें, क्योंकि हम इसलिए आए हैं कि उपकार स्तुति की मीटिंग में हम प्रभु को महिमा कर पाए।
हमारे निर्बलता में, वो हमारा बल है, हमारे निर्धनता में वो हमारा धन है, हमारे निराशा में वो हमारी आशा है। निर्बलता में तू मेरा बल, निर्धनता में मेरा धन, निराशा में मेरी आशा, तू दुविधा में दिशा बना। निर्धनता में तू मेरा बल, निर्धनता में तू मेरा धन, निराशा में मेरी आशा, तू दुविधा में दिशा बना। तू धन्यवाद जीवन में तुम्हारे हर कदम में प्रभु आपके हाथ को पकड़ के चलाएगा। सिर्फ आप प्रभु को याद रखते हुए आपके वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ना। कदमों को स्थिर तू करेगा, हाथों को तू ही थामेगा, आंखों ने जो नहीं देखा ऐसे आवाज कम आ रहा है। हालेलुया।